करता हूँ आप लोगों का। और रही बात ये कि जैसे गेम ऑफ लाइफ 6 AM to 6 PM, सुनील राज जी लगता होगा कि भाई ये कहानी कैसी हो सकती है, फिल्म क्या हो सकती है, लेकिन गेम ऑफ लाइफ एक रियल ड्रामा है जो असल जिंदगी में हुआ करती है कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, और उसी का एक नतीजा है गेम ऑफ लाइफ। और जहाँ तक बात रही है 6 AM to 6 PM, एक जर्नी है एक कपल की, उस जर्नी को हमने इतनी बखूबी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि जब ये फिल्म लोगों के सामने आए तो लगे कि यार कहीं ना कहीं सुना है, देखा है, मतलब हर इंसान उस कहानी के साथ जुड़ जाएगा, ये मेरा दावा है। और इस कहानी को बहुत खूबसूरती से प्ले किया है मिस्टर शिव के कोड फ्रॉम राजस्थान, ये हमारा आदित्य ठाकुर जिन्होंने प्ले किया हुआ है। इत्तेफाक से हमारी जो हीरोइन है वो कहीं बाहर है आने भाई। और ये बात गेम ऑफ लाइफ कहते हैं कि राज जिंदगी में कुछ राज होना चाहिए, और उसी राज का नतीजा हमारे राज गोयल जी हैं। प्लीज ताली बजाइएगा सर। और कहते हैं कि आसमान में चांद से भी होता है और चांदनी बहुत सारी होती है, लेकिन इस आसमान पे एक ही चांदनी थी, चांदनी खान। तालियां सर। बाकी हमारे फिल्म के बारे में भाई मुकुंद जी बताइए, बड़े भाई हैं वो, दिल से दिमाग से हर चीज से जुड़े हुए हैं वो, तो सर प्लीज कुछ बताइएगा। लगता है इनको कोई मिला नहीं सवेरे से। सारी मतलब हमारे अभी मुलाकात होगी। ओ यहाँ काम बोले थे मैं वहाँ काम बीच में, पहले सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। और एक मैं फिल्म के बारे में जो बताना है हमारे डायरेक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है, जो ये ऐसी फिल्में हैं दोनों और एक ही साथ में रिलीज होने वाली है, तो देखिए कि इसका यश जो है आगे जाके आपको पता चलेगा कैसी फिल्में रही है। गेम ऑफ लाइफ के टाइम में खुद बहुत मौजूद था, जो मेरी आंखों के सामने मैंने वो फिल्म की चित्रित हुए देखा था, और उस टाइम में जो ट्रेलर उन्होंने बताया मुझे माले साहब ये लिखिए, अब तो भाई अपना फिल्म बनना है करना है, और माना कि हम लोग बहुत कम समय में अच्छी फिल्म दुनिया के सामने दे रहे हैं। उनका थॉट ऐसा है कि जो कुछ भी हमें करना है बहुत जल्द पैसा कमाना है, तो ये इसमें पाँच लड़के जवान लड़के जिनको पैसे की लालच है, और एक लड़की जो है चांदनी खान, ये सबके ऊपर टॉप में जाती है। तो ये सस्पेंस थ्रिलर है, मैं जो आपको नहीं बताना चाहूँगा, जब पिक्चर रिलीज होगी तब आप जरूर देखिए और गेम ऑफ लाइफ को आप सब लाइक करेंगे। दो फिल्में हैं, दोनों एक एक ही गाना है और बहुत खूबसूरत गाना है जो बिफोर यू ने साइन करके हमसे ले लिया है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो गाइज, एक्चुअली क्या है पता है अभी, हाँ बिल्कुल आपको इजाज़त है सर, आप जाइए, और थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर तकलीफ देने वाली हूँ, और ये शायद अभी पूरी रिवील हो जाती कहानी, इसलिए मैंने माइक ले लिया, वरना कोई टिकट ही नहीं लेता। सो अभी इस गाने के बारे में जैसे सर जी ने बताया कि ये गाना बिफोर यू म्यूजिक ने ले लिया है अभी उनके अंडरटेकिंग में, तो आज हमारे साथ इस शाम में मिस्टर जुबेर खान वो भी मौजूद है, so please unke liye taaliyan bajaiye, and a lot of congratulations to Mukund bhai and Paralal ji for their double achievements and launching of their songs today, so I am wishing them all the luck to go proceed. Mukund ji, aur hamari kahani kafi purani hai, we know each others more than we can say 55 years and above, still when I born, क्योंकि हमारे बड़े हैं और हमारे नेबर हुआ करते थे और हमारे बेस्ट विशेष थे उस टाइम से अभी तक, और तभी हम लोग ज़्यादा मिला करते थे और अभी हम लोग ज़्यादा मिल रहे, बीच में काफ़ी गैप हो चुका था, तो ये फिलहाल का इनका डेवलपमेंट चल रहा था। और यस, आई एम इन टू मैनी इंडस्ट्रीज विच इज़ इंस्पायरिंग मी,
तो इनका एक इनविटेशन आज का भी था, तो मतलब चलो आज जाके इनको भी देख लेते क्या है और इन फ्यूचर्स कुछ हम साथ में काम करने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रदीप जी, आप हमारे आपका काम धाम सब छोड़ के बाजू में आप हमारे लिए आए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर जी। सो ये दोस्ती कैसी है, तालियां बजा के बताओ। बाय, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। सो गाइस देख लीजिए, कोई छूटा तो नहीं मुझसे, बराबर है ना। सो ये सारे हमारे हीरोज हैं, हीरोइंस, हीरोइन एक ही है, तो प्लीज जरा तालियां बजाएं यार। फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है तालियां बजाने के लिए। सो ये हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से तो आप मिल चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच आप सब भी यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नौरंगी, नौरंगी के जितने आर्टिस्ट हैं, सॉरी मैं आपको फिर से बुलाना चाहूंगी, इसरार खान जी, ओम जी, फिर से आप लोग को तकलीफ दूंगी मैं, हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना। दिनेश दुबे जी, दिनेश दाबी सर प्लीज आइए, और मुकुंद माली जी एज यूजुअल प्रोड्यूसर। सर जी आप भी आ जाइए, नौरंगी की टीम यहाँ पर मंच पर मौजूद है। सो प्लीज गाइज एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए, ये भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। सो ये सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, और रोहित मेहरा जी, सॉरी रोहित मेहता, रोहित मेहता जी जो अभी ज्वाइन करे, तो थोड़ा सा अभी स्टेज पे ही बात हो रही है। और मैम आपका नाम है राजेश्वरी दत्ता, मैम भी आ चुकी है। सो ये हमारी नौरंगी की टीम है। ओके आनंद शर्मा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी लोगों को, आप सब लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त दिया। नवरंगी जो हमारी ये फिल्म है, ये बहुत जल्दी फ्लोर पर आ रही है और जागृति एंटरटेनमेंट एंड आर क्रिएशन इसको फ्लोर पर लेकर के आ रहे हैं, और महिमा शर्मा जी इसको काफ़ी मेहनत से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारी तकलीफें होती हैं हम सबके जीवन में, तो हंसी मजाक के साथ में इंटरटेनमेंट 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 जो मुझे पता है, लेकिन विदाउट वल्गरिटी के साथ, नव रस से भरपूर कॉमेडी के साथ ये कंटेंट है नवरंगी। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको आप तक पहुंचा पाते हैं, अपना सहयोग करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं पहली बार शायद सबके सामने मुखरत हो रही हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। पहले आर्टिस्ट थी, एक बार माइक पकड़ा था, ये दोबारा लाइफ में 20 साल बाद पकड़ रही हूँ, तो थोड़ा डर भी रही हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा लग रहा है कि सबको देख के, हमारे फ्रेंड्स सबको देख के, और एक मूवी को स्पेशली मैं फ्लोर पर लेने की हिम्मत कर पाई जब मुकुंद सर हमारे साथ थे, इन्होंने इनके साथ की वजह से ही मैं आज इन फ्लोर पर ले पा रही हूँ। और आप लोगों से आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार हमारे साथ बनाए रखें। मेरी OTT चैनल भी लॉन्चिंग पे ही है। लिखा था कि आर्टिस्ट ताली का फुका होता है, बट आज पता चला कि मैगजीन एडिटर भी ताली की फुकी हो सकती है। बजाओ, ये देखिए स्वागत हो रहा है भाटिया जी का और चड्डा जी का। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच जो आप लोग आज यहाँ पर आए। कैमरा आगे वाला आओ। थैंक यू मुकुल माली जी, सुना दे और अपने बारे में तारुफ करा दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट और बेस्ट विशेस देना चाहूंगी डायरेक्टर मिस्टर प्यारेलाल शर्मा जी को। थैंक यू सो मच सर एंड महाले साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई है। 6 AM टू 6 PM, अ जर्नी ऑफ 12 आवर्स। सो बताना चाहूंगी इस गाने के बारे में कि जब ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी, जब ये गाना सुना, लिखा और इसको गाया, इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप इस गाने को जब ट्रेलर में सुनेंगे, मैं चाहूंगी जरूर इस गाने को आप सभी के बीच रखा जाए।
सो आई वॉज एंजॉइंग दिस सॉन्ग. इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग और बहुत ही सुंदर इसको पिक्चराइज किया है. एज ऑलवेज प्यारे लाल जी की हर फिल्म बहुत ही स्पेशल होती है. वो बहुत ही अच्छी लोकेशंस और बहुत अच्छे से गानों को और मूवी को पिक्चराइज करते हैं. तो मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर सुनील जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं. जैसा कि आपने कहा दो लाइन, तो मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी. ये आप प्ले करेंगे आप? यस प्ले करते हैं. चलिए थैंक यू मीडिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. फोटो हो गया? हो गया. सामने देखिए. नाइस. थैंक यू सो मच. चलो अच्छा प्रणाम. सबसे पहले पूरी मीडिया और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को खुशबू जैन का प्यार भरा नमस्कार. मैं कहना चाहूँगी आज हम यहाँ पर आए हुए हैं 6 AM टू 6 PM गेम ऑफ लाइफ, यानी कि दो फिल्मों का ट्रेलर है और म्यूजिक लॉन्च है. तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और हमारे बीच है इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर प्यारे लाल जी. मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी. एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है और गाने बहुत अच्छे हैं जिसको बाकी मुझे बहुत खुशी है. नहीं एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन में काफ़ी आराम कर लिया हमने 2 साल से. अब लगा कि जो भी करेंगे डबल करेंगे, इसीलिए अभी ये डबल फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं और साथ साथ डबल फिल्म जा रहे हैं शूट करने के लिए हम उदयपुर नेक्स्ट मंथ. तो अब जो भी करेंगे हम डबल करेंगे, डबल धमाका. क्योंकि मेरे साथ जो शख्स है मेरे पीछे खड़ा है उसका नाम है मुकुंद महाले. वो हमेशा बड़ा सोचते हैं और उसी नतीजा है कि हम डबल पे ही काम कर रहे हैं. जी खुशबू जी ऑन बोर्ड कैसे आए और क्या कुछ उनके रोनर का गाना था या कैसे ऑन बोर्ड आए? आपसे क्वेश्चन. अच्छा मुझसे सर. सॉरी थैंक यू सर. वन मोर प्लीज. ऑन बोर्ड खुशबू जी कैसे आई, क्या उन्हीं के रोनर का ये गाना था इसलिए ऐसा हो गया? देखिए जहाँ तक खुशबू जी की बात करूँ मैं तो लगभग 15 साल हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए और मेरी कम से कम 8 से 9 फिल्मों में चाहे मराठी हो या हिंदी हो खुशबू जी ने गाया है और मैं इनकी आवाज़ से इस तरह वाकिफ हूँ. जब भी वो कोई काम करती हैं तो वो उसमें गायकी के साथ जो होता है ना दिल से जुड़ा हुआ होता है एक अपनापन वो उसमें आ जाता है. मेरी कई फिल्में हैं मराठी की जो आजकल जी म्यूजिक चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इनका जब भी कोई सॉन्ग होता है तो अपना वक्त निकाल कर उसमें पूरी तरह डूब जाती हैं वो और नतीजा आपने देखा होगा जो भी आपने गाना देखा है. मेरा रिएक्शन तो हमेशा इनकी फिल्मों के लिए इनके गाने के लिए हमेशा कुछ मैं सोचती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ कि कुछ तो हमेशा नया ही गाना मिलता है, एक नया जॉनर मिलता है. तो इस बार भी एक ही सॉफ्ट रोमांटिक था और इसके पहले भी हम लोगों ने रोमांटिक गाने आई थिंक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी हैव डन और भी कुछ आगे जो जॉनर बाकी हैं तो प्यारे लाल जी हैं उसके लिए. वेल अगर भाषा का कहा जाए तो मराठी फिल्मों के लिए भी किया है. वैसे तो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस हो चुकी हैं और हर भाषा में गाने का एक अपना ही मज़ा है. ये हिंदी में था, इसके पहले एक मराठी में है तो हमेशा एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है. उसके पहले वो सिचुएशन भी बताते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. नहीं ये सवाल बहुत जायज़ है आप लोगों का क्योंकि 6 AM to 6 PM सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक जो जर्नी है अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा एक पल होता है जब वो एक एक सेकेंड की गिनती करता है वो. और ये एक हादसा हुआ था, कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था और वो हादसा मेरे जहन में इस कदर घूमता रहा कि उसको एक कहानी का रूप लिया और आज के सामने जो ये फिल्म बन गई है. तो ये 12 घंटे की जर्नी है, शायद मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक है. अब तक शायद 36 घंटे 24 घंटे आ चुके हैं लेकिन 12 घंटे ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी मेरे ख्याल से. और गेम ऑफ लाइफ सर, ये गेम ऑफ लाइफ जो है क्योंकि आज के दौर में देखता हूँ कि कभी न्यूज़ देखिए आप, कोई अखबार पढ़िए आप, कुछ ना कुछ गेम आन होता रहता है. मतलब कि
इसको इसने लूट लिया, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, ये गेम जो होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े भाई हैं मुकुंद महाराज जी, बड़ी यार ये गेम ऑफ लाइफ अगर हम इसे कुछ काम करें तो उन्होंने जो कहानी लिखी और जो मैंने कहानी सुनी, मतलब भैया इससे अच्छी कुछ नहीं सकती है, तो ये मुकुंद महाराज जी की सोच है गेम ऑफ लाइफ और आज जो फिल्म के रूप में आ चुकी है। सर उम्मीद करता हूँ कि अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट तक मेरी पिक्चर जो है सिनेमा हॉल में आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राज भाई और चांदनी जी, गेम ऑफ लाइफ किसकी गेम सस्पेंस का है कर रहे हैं इस फिल्म में, कितना एक्साइटेड है आज इतना बड़ा भव्य लॉन्चिंग हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जागृति एंटरटेनमेंट प्यारे सर, माले सर, इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये कैरेक्टर के लिए उन्होंने मेरे को चूज़ किया कि राज तू कर सकता है, बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि राज ये कैरेक्टर तेरे लिए ही बना है, तू अच्छे से इसको निभाएगा। तो फिर मैंने सुना कि क्या एग्जिट क्या है इसमें, तो थ्रिल सस्पेंस बहुत ऐसे, मतलब आदमी को ऐसे बांध के रखती है कहानी। तो मैंने मेरा कैरेक्टर वो फिर बोले कि तुझे दाढ़ी बढ़ानी होगी, तुझे बाल बढ़ाने होंगे, तू नशेड़ी है, तू लड़की बाज है, तो फिर वो लुक भी आना चाहिए, वो चांद था तो फिर वो ख़त्म करना पड़ा मुझे, मतलब ये वाला कंटिन्यू करना पड़ा। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ और बहुत होप्स है इसके साथ कि कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले मैं प्यारे लाल शर्मा एंड मुकुंद महाले जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने इस मूवी के लिए मुझे चुना और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि आलिया तू, जैसे कि राज ने बोला ऐसे प्यारे लाल शर्मा ने मेरे पर भरोसा किया, मुझे बोला कि चांदनी तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है तुम कर सकती हो, तो उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने भी बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों ने बहुत तारीफ की मेरी और पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, ऐसा लगा ही नहीं कि एक फैमिली की तरह हम लोगों ने सबने मिल के काम किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये मूवी करके, तो थैंक यू सो मच प्यारे लाल जी एंड मुकुंद महाले जी। मेरा एक मैंने इस मूवी में एक जो सबको मर्डर कर देती है पैसों के लालच में, तो मैंने इस मूवी में सबको मर्डर कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी है। एग्जैक्ट मुझे पहले लगा था कि मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं, मगर जब ये गेटअप ले लिया पूरा और एक सीन तो ऐसा था कि सर बोले कि आप चढ़ा लो थोड़ी, तब तक वो होगा नहीं, मैं बोला सर ऐसे नहीं हो जाएगा, सब हो गया था कंप्लीट, मगर एक सीन ऐसा था कि वो नहीं मिल रहा था सर को, तो सर बोले भाई लेके आओ, तो एक लिया सॉरी, मगर ऐसा सीन हुआ था, वो वाकया बहुत अच्छा था, फिर लिया, फिर वो सीन जो दिया था सर खुद क्लैप कर रहे थे और वो ऐसा सीन है एग्जैक्ट कि मेरे फ्रेंड्स पूरा सर्कल, मतलब मैं निगेटिव दिख रहा हूँ पूरे इसमें, मगर कहानी कुछ और है, आता है मेरे पे मगर कर रहा है कोई और, तो ये थ्रिलर है, मतलब ये अभी बोल के कोई फायदा नहीं, तो अगर देखोगे तो मजा आएगा। तो चांदनी आपको वैसे ही ख्याल कर सकती है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बोल्ड लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच, बस क्या बोलूं, बहुत कुछ बोल दिया वैसे भी मैंने, कहानी की जरूरत थी वो, तो जब मूवी आएगी तो आप सब लोग देख सकते हैं उस मूवी को। नहीं नहीं, मैंने इससे पहले भी एक वेब सीरीज सीरियल में काम किया है जी, थोड़ा हाँ बोली थी पहले, हाँ ये हम दोनों ने जब फर्स्ट सीन दिया था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, डर लग रहा था और राज को भी थोड़ा सीन देने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पहले दिन, क्योंकि हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, डायरेक्ट हमारा जो लास्ट वाला सीन आप लोगों ने देखा डायरेक्ट वो दे दिया सर ने, पहले तो हम दोनों ही डर गए, तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो दोस्ती बनाई,
दोस्ती बनाई, फिर जाके हमने जो भी सीन दिए फाड़ दिया। सही नहीं भाई, जैसे चांदनी ने बताया कि वो पहला सीन था, मतलब पहले ही बार हम आमने सामने हो रहे हैं और थोड़ी वो केमिस्ट्री वाला था, बहुत क्लोज वाला सीन था। सर बोल रहे ऐसा चाहिए ऐसे चाहिए, तो कट हुए बहुत सारे कट हुए, सर बोल रहे नहीं मिल रहा इसको, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, वो हमको मजा नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं वो तो पैरों से ही बता सकते सर, ऐसा नहीं था। बस फिर जब वो खत्म होने के बाद हमने डिसाइड किया कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों, फिर हमारी बातें हुई, फिर हम मतलब कोई चीजें शेयर हुई, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात की, फिर डिटेलिंग देखी, फिर जाके जो हमने किया वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई। मतलब एक दिन के बाद जो बनी है बाकी शूटिंग की केमिस्ट्री वो बहुत बेहतर है, पूरा रियल किया है, लग ही नहीं रहा कि एक्ट किया है हमने। ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो सभी मीडिया प्रभारियों को नमस्कार, और जैसे कि मैं राजस्थान की धरा से आता हूँ उदयपुर से, तो सभी को राम राम सा। सेकंड चीज की प्यारे सर के साथ मैं पहले भी दो फिल्में कर चुका हूँ, तो जब ये 626 का इनका प्लान चल रहा था तब इन्होंने मुझे कॉल किया था कि शिव आप कहाँ हो, तो तब उदयपुर में मेरा एक राजस्थानी फिल्म का शूट हो चल रहा था, तो सर ने मुझे बोला कि जैसे शूट खत्म होता आप प्लीज़ यहाँ आइए। तो शूट पूरा करके फिर मैं जब मुंबई आया सर से मिला, तो सर ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही मैं मतलब चौकन्ना हो गया कि इतनी खूबसूरत कहानी जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी से रूबरू होगी शायद, क्योंकि तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस फिल्म का ये था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक न्यू कपल के साथ में जो कॉन्सिडेंस हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, जो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको अंदर से झकझोर देंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा लगा, तो मैंने पहली दफ़ा में ही सर को बोला हाँ सर ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, और जैसे कि पहले दो फिल्में कर ही चुका हूँ सर के साथ, एक मराठी फिल्म थी एक और हिंदी फिल्म थी, और दूसरी ये है कि अभी रिसेंट मेरी एक फिल्म है आटा, जिसको 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, और मैं ऑलरेडी राजस्थान में बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का मुझे अवार्ड मिल चुका है, और 15-17 फिल्में कर चुका हूँ अब तक आप सबके आशीर्वाद से, और प्यारे सर के साथ और भी कुछ लाइनअप है, एक दो फिल्में और कर रहे हैं। देखिए कहते हैं कि सच्चा जो कलाकार होता है ना वो अपनी मंजिल रास्ता चुनता है, ढूंढ लेता है, और जब मैं फर्स्ट टाइम उसे मिला मैं शिव से, तो लगा कि इस बंदे में वो भूख है कुछ कर गुजरने की, और पहले मौके में ही गुरुदेव ने वो जो खेला है मैं लगे नहीं इससे बड़ा कोई और नया एक्टर नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो किया है मेरी फर्स्ट मूवी सेकेंड मूवी और थर्ड तो अभी देख लीजिएगा आप, और साथ साथ एक और फिल्म भी आ रही है नेक्स्ट में जा रहे शूट पे हम लोग, उसमें भी काम कर रहे हैं, तो अच्छी कलाकार की तलाश हमें रहती है, और शिव में वो सारे गुण हैं जो एक कलाकार में होने चाहिए, एक अच्छे दोस्त भी हमारे हैं, तो इसमें और सुरक्ष द्वारा बोल सकते हैं हम इसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नवरंग का पोस्टर लगा दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ, आपके ओटीटी चैनल का अनाउंसमेंट हुआ जी, और इतने लोग यहाँ पे आए आपको आशीर्वाद देने के लिए जी, क्या कुछ कहना? मैं सर्वप्रथम तो सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, अपना प्यार आशीर्वाद दिया, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग किसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले एरी क्रिएशन के बारे में बताना चाहूँगी कि एरी क्रिएशन एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी वल्गरिटी चीज़ नहीं आएगी, इसमें हिंदुस्तान के कल्चर हमारी सभ्यता से जुड़े हुए कंटेंट्स ही आएंगे, और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत जल्दी मैं साउथ के एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ हमारी टाइप होने जा रही है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट जो उनका नेम है उनका अनाउंसमेंट मैं अगले महीने में करूँगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के। मुकुंद सर के बारे में मैं जितना कहूँ कम है, एक्चुअली इनके हमारी मुलाकात डायरेक्टर प्यारेलाल शर्मा जी ने करवाई थी, लेकिन मैं उत्तच कहना चाहूँगी कि मैंने रियली उत्तच मैं कह रही हूँ कि इनके जैसे मैंने इंसान नहीं देखा, इन्होंने मुझे हर काम में यही बोलते रहे तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम कर सकती हो, तो आई एम रियली मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इज़ अ वेरी गुड राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर।
तो अभी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर। मुकुंद जी कैसा लग रहा है? मुकुंद चालीसा सुनते हुए तारीफ काबिल हो नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैं स्पार्क देखता हूँ, जैसे पहले शर्मा जी के साथ में देखा कि उनका जो लगन है फिल्म के बारे में, राइटिंग के बारे में, और जो कलाकार से वो निकालते हैं उभार के एक्टिंग करवाते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, और महिमा जी का भी मुझे पता चला कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना साथ दें हम, तो बस साथ देते गए। अभी सपना हर एक का साकार होने वाला है, हमारे और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमें पता है, और आगे हमारी ज़िंदगी और अच्छी लोगों की ज़िंदगी हमारे साथ अगर आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे लगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुकुंद जी मेरे बड़े भाई समान नहीं, बड़े भाई ही हैं हमारे वो, और उनकी ज़िंदगी का जो अनुभव है वो मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। मैं मेरे लिखने में, मेरे काम में, मेरे एटीट्यूड में बहुत सी चीज़ें इनसे मैं लेता हूँ मैं, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और वही हाल हमारा भी है कि जो एक बार चीज़ हाथ में ले ली उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कि ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। मैंने कहा था ना डबल धमाका, अब इनके साथ मुझे हर बार दो दो ही फिल्में करनी है, सिंगल मूवी करनी नहीं मुझे। और हाँ बाय द वे जगन्नाथ जी हैं मेरे भाई हैं, और हमने कम से कम 22 साल में लगभग मैंने 18 फिल्में की है मेरे साथ। मैं चाहूँगा कि भाई मेरे बारे में कुछ बोले सर। ऐसे ब्रदर पैरेलाल शर्मा जी के 21 साल से हम लोग ने जब रिवर्स टेली से नहीं जो शुरू हुआ था उस टाइम में पहली हिम्मत करके हमारा इंडिया में पहली बार कोई प्रोड्यूसर बोलते ना नहीं हमारी फिल्म आप रिवर्स टेली से नहीं करो, हमें आपको पर यकीन है कि वह सच ए फैबुलस पर्सन, इतनी बड़ी रिस्क लेके उन्होंने जो फिल्म हमें दिए थे एंड इट वॉज लाइक सक्सेसफुली डन, सक्सेसफुली इट वॉज रिलीज इन ऑल थिएटर्स, तो सो हमेशा ही साथ में जुड़े रहे, और इवन टुडे हर काम पे, इवन लाइक एवरी पिक्चर उन्होंने हमें पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल करते या प्रोडक्शन में शामिल करते, साथ में हमने डायरेक्शन भी किए, प्रोडक्शन भी किए। सो आई विश, दिल से मैं विश करता हूँ उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिले, एंड सिमिलरली माले साहब को भी, सबको भी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ यू। कोई रात नहीं है बता दो, कोई रात नहीं है।